नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे DSSB DOE दिल्ली प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आपको ध्यान होगा DSSB या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा भी बीएड पास कैंडिडेट्स को एलिजिबल कर दिया गया था रिक्रूटमेंट रूल्स जारी करके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आ गए थे और जो बीएड पास कैंडिडेट्स थे उन्हें फिर अनएलिजिबल कर दिया गया था। हाँ जी दोस्तों, बीएड हटा दी गई थी प्राइमरी से। तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों पूरा निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ। ये 28/10/2024 को ये सर्कुलर जारी किया गया है। उससे पहले एक गजट जारी किया गया था 14 अक्टूबर 2024 को। 14 अक्टूबर 2024 को जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके माध्यम से 24 फरवरी 2022 को जो रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे प्राइमरी टीचर्स के, उन्हें रद्द कर दिया गया था। हाँ जी दोस्तों, उन्हें निरस्त कर दिया गया था। और जो 24 फरवरी 2022 को रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे प्राइमरी टीचर्स के, उन रिक्रूटमेंट रूल्स में ग्रेजुएशन प्लस बीएड पास कैंडिडेट्स को शामिल कर लिया गया था, एलिजिबल कर दिया गया था दिल्ली में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। तो उन रिक्रूटमेंट रूल्स को ही अब निरस्त कर दिया गया है जो 24 फरवरी 2022 को आए थे। तो इसका मतलब अब दिल्ली में बीएड ग्रेजुएशन प्लस बीएड पास कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। तो जो पहले पुराना रिक्रूटमेंट रूल्स थे, पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स जो कि जारी किए गए थे 2013 में, तो वही अब वैलिड हो गए हैं, उन्हें ही रिसर्कुलेट किया जा रहा है। तो जो 2013 वाले रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो मैं अभी आपको एक बार बता देता हूँ क्या थे वो और कौन कौन उसके माध्यम से एलिजिबल था। तो अभी फिलहाल रिक्रूटमेंट रूल्स यही है 2013 वाले ही, इसी के अकॉर्डिंग नई रिक्रूटमेंट दिल्ली में आएगी। तो ये देखें, नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, नंबर ऑफ पोस्ट है इस कैडर में 4016 2013 के अकॉर्डिंग। अब 2024 है तो ये पद तो बढ़ चुके हैं। ये ग्रुप बी नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। पे बैंड 2,93,000 से 34,800, ग्रेड पे 4,200 का इसमें रहने वाला है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी इनका रहेगा। अपर एज लिमिट 30 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट भी दी जा रही है और इसके अलावा कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी अपर एज लिमिट में छूट यहां दी जाती है। बाकी अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, 10+2 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, या 10+2 45% अंकों के साथ और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर 10+2 आपने करके 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, या 10+2 आपने करके 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, और ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, और उसी के साथ साथ सी टेट प्राइमरी लेवल का जो सी टेट होता है वो भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। मस्ट हैव पास्ट हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, इनमें से एक सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल पे आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए और आप उसमें पास होने चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे इंग्लिश हो, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो दोस्तों आपको पता लग गया, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट भी आपको बता दी गई है इस वीडियो में, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ये पे स्केल रहेगा, ग्रुप बी नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगी, पद का नाम असिस्टेंट टीचर प्राइमरी आपका रहेगा। तो 2013 के जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे, गजट नोटिफिकेशन था, उसी के अकॉर्डिंग अब रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलेगी जब तक नया गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। तो 16 मई 2013 को ये जारी किया गया था। इसके बाद 2022 में गजट नोटिफिकेशन आया पर अब उसे निरस्त कर दिया गया है। तो लेटेस्ट अब यही है 16 मई 2013 वाला ही। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वगैरह दी गई थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।